लेकिन अब ये नहीं कि लड़का अगर ऐसे बोल दे हड्डी का डॉक्टर तो नहीं पता लेकिन बवासीर का हॉस्पिटल हमको पता है क्योंकि हमको दो साल पहले ना बवासीर हुआ था तो बवासीर का हॉस्पिटल में गए थे बड़ा दर्द होता था बवासीर में भाई घंटा वो लड़की लाइक भी करती मारेगी पिछवाड़ा पे ला हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब मैं हूं रहा ऑस्कर आपका ऑस्कर लव गुरु और आज का टॉपिक है कि कोई भी लड़की क्या इशारा करे जिससे हमें पता चल जाए कि ये लड़की मेरे में इंटरेस्टेड है या ये मुझे लाइक करती है ठीक है ये बहुत ही पॉजिटिव वीडियो है अधिकतर वीडियो मेरा ब्रेकअप हो गया ये हो गया नो no कॉन्टैक्ट पे रहता है लेकिन ये बहुत ही पॉजिटिव वीडियो है ठीक है बहुत सारे लड़के डिमांड करते हैं कि इस पर बताइए सर ठीक है मेरी एक क्रस है या जो भी लड़की उनके कॉन्टैक्ट में है ठीक है अब इनको पता नहीं चल पाता भाई वो मेरे मुझे लाइक करती है कि नहीं ठीक है पूरा वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई वीडियो को लाइक हो जाना चाहिए मिनिमम लाइक कर रखा हूं। भाई एक एक जन जो भी देख रहे करना, करना, तो सीधी सी बात है अगर कोई लड़की आपको लाइक करती है वो जरूर आपसे बात करना चाहती होगी ठीक है खुद से कॉल मैसेज जरूर करेगी मान लो कि अभी नंबर का आदान प्रदान नहीं हुआ है अभी फिलहाल बस एक ही कॉलेज में हो बस देखते रहते हो ठीक है उसको तुम देखते हो अभी नंबर मिला नहीं है उसका या ना ही इंस्टाइटी मिला है तो भाई वो ना अगर लाइक करती होगी ना भाई वो सौ लोग के बीच में भी ना वो तुम्हें गौर से देखेगी जरूर मतलब सौ लोग की भीड़ में भी उसकी नजर उसकी निगाहें भाई तुमको जरूर मतलब तरासेगी ठीक है मतलब तुमको जरूर खोज रही होंगी और ये चीज तुम मतलब तुम्हें पता चल जाएगा समझ हो ये अगर कोई लड़की लाइक करती है भाई वो ना तुम्हें देखकर वो तुम्हें देखेगी जरूर आई कॉन्टेक्ट जरूर देगी भाई सेम इंस्टीट्यूट में हो सेम कोचिंग में हो ठीक है या ऑफिस में हो हो समझ रहे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहाना से भाई तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेगी ठीक है या तो मतलब कुछ भी जैसे मान लो कि ऑफिस में हो ठीक है तुम्हारी कलीग है लेकिन थोड़ा दूर बैठती है लेकिन जब लंच टाइम होगा ना तुम्हारे बगल में आके कॉफी पिएगी समझ रहे हो ना ये था पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट ये भाई मान लो नंबर का आदान प्रदान हुआ कलीग थे नंबर ऑब्वियस बात है ऑफिस में हो एक ही ऑफिस में तो नंबर मिला या इंस्टीट्यूट में हो या कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है किसी इंस्टीट्यूट का भाई कॉल में तुम अगर हाय हेलो किए भाई वो पूरा अच्छे से इन्वॉल्व होकर बात करेगी भाई ठीक है बहुत अच्छे से बात करेगी ठीक है तुम इमोजी भेजे तो वो भी भेजेगी भाई मतलब अगर लाइक करती है तो तुम्हारे एक एक बात में वो अपना इन्वॉल्वमेंट देगी समझ रहे हो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अभी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है वो मैं बोल रहा हूँ कि गर्लफ्रेंड बनने से पहले जो लाइक करती है लड़कियां वो मैं बता रहा हूँ ठीक है तुम जो भी मैसेज करोगे भाई उसमें वो अच्छे से रिप्लाई देगी अब अलग बात है गाली गोलाज उल्टा सीधा सेक्स चैट कर दिए तो भाई इसमें तो मारेगी ब्लॉक ठीक है लेकिन तुम कुछ भी मैसेज कर रहे हो एकदम तो और कैसी हैं ठीक है भाई इसमें लड़की इंटरेस्टेड लेगी मतलब तुम्हारे में इंटरेस्टेड है फिर ठीक है अगर अच्छे से बात कर रही है और ये और अच्छी बात होगी अगर वो लड़की खुद से कॉल मैसेज कर रही है तुम्हें ठीक है ये ज्यादा प्लस पॉइंट है ठीक है फिर समझ ही जाओ कि हाँ लड़की मुझे सच में लाइक कर दी ठीक है एक और चीज अगर लड़की से कुछ ज्यादा बात होना स्टार्ट हुआ नॉर्मल एज अ फ्रेंड ही ठीक है और लड़की तुम्हें एकदम घरेलू बातें बता रही है एकदम अंदर की बात बना बता रही है अपनी फैमिली की बात बता रही है कि सात साल पहले मेरे पापा ड्रिंक करते थे सात साल उस मम्मी को मारते थे तो घर में बहुत ही डिप्रेशन का माहौल था मैं भी छोटी थी उस समय पापा मेरे को ही मार देते थे हाँ इसलिए मुझे डर लगता है जो भी दारू पीते हैं मुझे एक आदमी चाहिए एक लड़का चाहिए जो मुझे समझे इस टाइप का अगर बातें कर रही है मतलब जो अपने पापा मम्मी का बात कर रही है इतना घरेलू समझ लो भाई कहीं ना कहीं तुम्हें स्पेशल समझती है और लाइक करती है तुम्हें पसंद करती है तभी भाई इतना सुना रही इतना बता रही है तुम्हें अपने बारे में समझ रहो, समझ लो कि उस लड़की के रडार में तुम आ चुके हो ठीक है मतलब उस रडार में में आ चुके उसके रेंज में, कि जहां तुम थोड़ा सा एफर्ट करोगे तो लड़की तुमसे भाई पट जाएगी ठीक है अभी लाइक कर रही है ठीक है आगे हो सकता है लव यू बोल दे समझ रहो एक और चीज है लड़की तुम्हारे लिए एफर्ट करेगी मान लो कि किसी कोचिंग में या कोई भी ऑफिस मैं ठीक है या मान लो परोस में ही है पहले ना उतना सजती समर्ती नहीं थी सिंपल सा बस आईलाइनर एक लिपस्टिक लगा के आती थी लेकिन जब उसे लगने लगा कि तुम इंटरेस्टेड हो ठीक है और वो भी लाइक करने लगी तो वो क्या करेगी पहले के कंपेयर में ज्यादा सजना संवरना स्टार्ट कर देगी ठीक है कुछ ज्यादा ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगी ठीक है कुछ बोलेगी नहीं लड़कियों का जो पुराना फंडा है बोलती कुछ नहीं है ठीक है लेकिन उनको देखकर भाई समझ में आ जाएगा कि मेरे में इंटरेस्टेड है मेरे लिए ससवर के आ रही है तो पहले के कंपेयर में लड़की के लुक्स में अगर चेंज आ रहा है ठीक है तो भाई समझ लो तुम्हारे लिए तुम्हें लाइक कर रही है अब इधर भाई गलत रॉन्ग नंबर भी लग सकता है ठीक है क्या पता तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मैं ही इस लड़की को लाइन दे रहा हूँ या लड़की मेरे लिए ससंवर के आ रही है क्या पता एक और लड़के के लिए आ रही होगी तो यहाँ आप चेक कर लेना अपने हिसाब से कहीं रॉन्ग नंबर ना लग जाए ठीक है यही सब पॉइंट है भाई और बहुत सारा थोड़ा एडवांस लेवल में जाए तो हो सकता है कुछ लड़कियां कुछ ज्यादा ही ओपन माइंडेड हुई और अगर वो लड़की तुम्हें लाइक करती होगी भाई वो लड़की खुद आके तुमसे बात करेगी एक्सक्यूज मी आपने नोट्स अपना देख सकते हो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ ब, इस जुलजी का चाहिए तो अच्छा बोटो बोटोनी बो, का भी है तो दे दीजिए इस टाइप का बात करेगी बहाना जबकि किसी भी लड़की से नोट्स ले सकती थी लेकिन वो तुमको ही पॉइंट आउट की कि हाँ मैं परसों दे दूंगी अब परसों के बजे परसों जाके दी मानी थोड़ा बात भी हो गया समझ रहा हूँ मतलब ये लड़कियां लेकिन थोड़ी खुले विचार की जो रहती है एक्स्ट्रोवर टाइप की रहती है तो भाई अगर वो लाइक करती है तो भाई अपना फीलिंग्स भी शेयर कर सकती है लेकिन अधिकतर लड़कियां थोड़ी ना वो लड़के से ही एक्सपेक्ट करती है कि सलाह यही बात करे तो तब तक वो इशारा ही देती है जिससे लड़का सिग्नल कैच कर ले ठीक है लेकिन बहुत कुछ लड़कियां होती है जो लाइक करती है तो भाई उनका ना वो दिख जाता है कि भाई मुझे अप्रोच कर रही है समझ रहे हो तो यही सार सब पॉइंट है भाई सबसे मेन तो है आई कांटेक्ट मतलब लड़की अगर जो लड़की तुम्हें लाइक करती होगी ना भाई उसको देख के ही पता चल जाएगा ना कि भाई कुछ तो है मेरे को भाई पसंद करती है क्योंकि लड़कियां देखेगी भी तो ऐसे दिखती है <laughs> अब इसी में समझ जाओ समझ हो बोलो ऐसे कर समझ रो ना ऐसे ही तो समझ लो भाई अब कोई लड़की आई कांटेक्ट ही नहीं दे रही है आप तुम देख रहे हो तो, तो समझ लो घंटा नहीं पटेगी समझ रहे हो यही सब पॉइंट है भाई लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो था कि अगर पर्सनल चीज शेयर कर रहे हो पर्सनल चीज लड़की शेयर कर रही है अपना घर परिवार का मेरे बचपन में क्या हुआ था मुझे मोलेस्ट किया गया था अपने ही मामा थे ये थे वो थे एक पड़ोस का लड़का था भाई मुझे उल्टा सीधा बोलता था मैं बहुत रोई थी लेकिन जब तुम मिले हो तो मुझे पहले लड़के तुम लगे हो जो बहुत ही अच्छे हो दिल के मतलब तारीफ कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के बन जाओ ना बॉयफ्रेंड समझ रहे तो यही सब इशारा होता है भाई एक इशारा होता है बिना बोले और एक इशारा होता है बोलकर बिना बोले तो वही और एक इशारा होता है वही अपनी फीलिंग्स शेयर करना ये नहीं बोल रही है कि तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो बस अपना वो जो भी उनके उसके लाइफ में हुआ वो सब बता रही है पर्सनल चीज शेयर कर रही है

वहा भाई अब लड़का पे भी होता है कि कैसे कैसे कैच करता है सिग्नल ठीक है गूगल गु, में सर्च करो थोड़ा बता दो आसपास का कौन सा हॉस्पिटल है ठीक है इसमें बाजी मार लेते हैं लड़के लेकिन अब ये नहीं की लड़का अगर ऐसे बोल दे हड्डी का डॉक्टर तो नहीं पता लेकिन बवासीर का हॉस्पिटल हमको पता है क्योंकि हमको दो साल पहले ना बवासीर हुआ था तो बवासीर का हॉस्पिटल में गए थे बड़ा दर्द होता था बवासीर में भाई घंटा वो लड़की लाइक भी करती हो ना मारेगी पिछवाड़ा पे ला फिर बवासीर हो जाएगा तुम्हें समझ रहे हो तो यही सब पॉइंट है भाई आई होप पसंद आया होगा वीडियो ठीक है समझ गए होगे क्या क्या इशारा है और भी बहुत सारा पॉइंट है लेकिन मैंने बेसिक पॉइंट बता दिया जो होता है मोटा मोटी ठीक है इस वीडियो को मारो लाइक भाई शेयर करो सब्सक्राइब करो 300 टारगेट रखा रखाऊ हो जाना चाहिए ये नहीं बिना लाइक किए निकल गए ठीक है मेरे से अगर डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो लप टिप्स लेना चाहते हो कुछ भी ठीक है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए पेमेंट की डिटेल मिलेगी आप पे कीजिए मैं एक घंटे बात करता हूँ ठीक है काउंसलिंग फी लगती है भाई तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में टेक केयर गुड बाय मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो चलो बाय